हे दोस्तों, तो आज का सीन ये है कि मेरा सुबह से ही आज मीठा खाने का मन कर रहा था, ठीक है। और अभी हो रहे हैं 5:24 हो रहे हैं, यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, अभी 5:24 हो रहे हैं और मैं अभी जाके हल्दीराम से इनकी कुछ फेमस मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, ठीक है। क्योंकि सुबह से ही आज मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा चलो हल्दीराम की मिठाई ट्राई की जाए, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने हल्दीराम की इनकी ये जो फेमस मिठाई है वो कभी भी ट्राई नहीं किया था। तो वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को ये जो इनकी हल्दीराम की फेमस मिठाइयाँ हैं इनका टेस्ट बताने वाला हूँ कि टेस्ट कैसा है, ठीक है। और साथ ही मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी मैं मिठाई लाया हूं, पर पीस मुझे कितने का पड़ा है, ये सब कुछ मैं आप सभी को वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन यहां पर एक सीन हो गया, मैंने इनसे 5 मिठाइयां बोली थी और 5 अलग अलग मिठाइयां बोली थी, लेकिन इन्होंने सिर्फ मुझे 4 ही मिठाई दी है। बिल में मैंने जब चेक किया तो 4 ही के पैसे वैसे इन्होंने काट रखे हैं, मुझे लगा कहीं 5 के पैसे काट लिए और दी मुझे 4 ही मिठाइयां, तो 4 ही के पैसे काटे और 4 ही मिठाई दी है। तो चलो सबसे पहले अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी मैं मिठाई लाया हूं और पर पीस मुझे कितने का पड़ा है। तो ये देख सकते हो, ये हमारे चारों मिठाइयां हैं, ये है राजभोग, ये है हरीभोग, इसका नाम है रसकदम और इसका नाम है मलाई चौप, ठीक है। तो चारों का मैं आप सभी को बिल दिखाता हूं। ये जो हमारा राजभोग है ये मुझे पड़ा है, मैं दिखा देता हूं, ये राजभोग मुझे पड़ा है 44 रुपए का, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा हरीभोग है, यहां पर ये दोनों में ऐड कर दिया है, हरीभोग है 42 रुपए का और ये जो मलाई चौप है ये भी 42 रुपए का ही है, ठीक है। और ये जो हमारा क्या नाम है इसका रसकदम है, ये मुझे पड़ा है 23 रुपए का। और टोटल मेरा जो इन चारों का बिल है वो देख सकते हैं, 158 रुपए का ये मुझे टोटल पड़ा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये जो हमारा राजभोग है इसे हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है। इस कटोरी में निकाल लेता हूं, ये जो इसके साथ कटोरी मिली है ना, इस कटोरी में रख के हम खाते हैं। काफी सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल गया, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और इसके अंदर काफ़ी सारी फिलिंग वगैरह भी है, काफ़ी कुछ डाल रखा है, थोड़ा सा केसर डाल रखा है, पिस्ता वगैरह डाल रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो केसर है, पिस्ता है और खुशबू काफ़ी अच्छी है, मतलब जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो काफ़ी मतलब मुलायम है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। चलो अब दूसरी मिठाई टेस्ट करते हैं, ये जो रसकदम है अब इसे हम टेस्ट करते हैं, ये हमारा जो रसकदम है तो इसे भी मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेता हूँ, ठीक है, इसको इसमें ही खाते हैं। ये भी काफ़ी सॉफ्ट है लेकिन इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये जो नॉर्मल रसगुल्ले होते हैं ना वाइट वाले वैसे ही लग रहा है। एक बाइट में और लेके देखता हूं, सॉफ्ट है लेकिन टेस्ट नहीं है, टेस्ट थोड़ा बहुत वैसा आ रहा है जो रूह अफ़ज़ा का टेस्ट होता है ना वैसा थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन कोई स्पेशल टेस्ट नहीं है जो इस राजभोग का था, ठीक है। तो ये जो राजभोग है इसमें केसर है, पिस्ता है, तो इसका टेस्ट आ रहा था और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है टेस्ट वाइज, ठीक है, और काफ़ी ये उससे ज़्यादा मुलायम है। तो चलिए ये जो हमारा हरी भोग है इसे भी टेस्ट कर लेते हैं और इसका भी प्राइस 42 रुपये पर पीस है, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी आसानी से ये कट गया। इसका एक बाइट और लेता हूँ मैं साइड से, ये हरी भोग भी काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी स्ट्रांग इसका मतलब जो फ्लेवर है उसका टेस्ट आ रहा है। इसको एक सैंडविच की तरह बना रखा है, ऊपर और नीचे ये रसगुल्ले के स्पंज हैं और बीच में यहाँ पर केसर पिस्ता बादाम वाला जो फ्लेवर है वो बीच में ऐड किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है खाने में। तो इसका भी टेस्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, राजभोग और हरी भोग दोनों का टेस्ट काफ़ी बढ़िया है। अब ये जो हमारा मलाई चौप है इसे भी हम ट्राई करते हैं, तो इस कटोरी में इसे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हो, तो इसे अब हम टेस्ट करते हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये भी। थोड़ा सा और खा के देखता हूँ मैं, इसका टेस्ट समझ में नहीं आया मुझे। तो ये जो हमारा मलाई चाप है ना,
ये खाने में थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। ऊपर से ये जो यहाँ पर देख सकते हैं मलाई की फिलिंग दी गई है, और ये मलाई अजीब ही सी लग रही है, ठीक है। वैसे टेस्ट में अच्छा लग रहा है, और नीचे की साइड यहाँ पर ये रसगुल्ले वाला जो स्पंज है वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो खाने वाइज से मैं एक बार और खा के देखता हूँ, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे, समझ में ही नहीं आया। अजीब है ये, मुझे सही नहीं लगा। बाकी ये जो हमारा राजभोग है सबसे बढ़िया, नाम जैसा है वैसे इसका टेस्ट है। और ये जो हरी भोग है ये भी काफ़ी बढ़िया है। और ये जो हमारा इसका नाम था रसकदम, ये उतना कुछ खास नहीं है। तो दो मिठाई इनके मुझे कुछ खास नहीं लगे, ये जो रसकदम है और ये जो मलाई चौप है। हरी भोग राजभोग टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है, इन्हें आप ट्राई कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की ढेरों सारी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।